जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बलून है विच ऑलवेज स्फेरिकल, जब भी वो इन्फ्लेटेड होगा या उससे गैस मान लीजिए रिमूव करी जाती है तो उसका साइज कम होगा। वैसे फैक्ट क्या होता है, फैक्चुअली होता है कि बलून कभी स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल अजम्पशन है कि वो हमेशा सिमेट्रिकल बना हुआ है और उसका शेप जो है स्फेरिकल है। सपोज ये जो आपका स्फीयर दिख रहा है ये किसी टाइम टी पे उसकी शक्ल है, और कुछ शुरू में कितनी थी, ये आपकी उसकी जो डॉटेड है दैट इज अ बिगनिंग वॉल्यूम। अगर हम इसे कहते हैं कि दैट वॉल्यूम बी वी, और ये सपोज इंक्रीज होके जो बाद में इंक्रीज होके जो वॉल्यूम हो गया है वो वी प्लस कुछ डी वी हो गया है, ये वी प्लस डी वी हो गया है। तो आप ये कहोगे कि जो उस इसमें जो डायमीटर का चेंज आया है वो डी से कुछ डी वी हो गया होगा। इसका मतलब कि जो स्पीयर का या बलून का साइज है वो एक्स जब जीरो था तो वो जीरो नहीं था, वो कुछ था 3/2 था। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डायमीटर भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। लेट डायमीटर रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बी डी आर एंड वी, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डायमीटर है, डायमीटर का मतलब डी, ये एक एक्स का फंक्शन है, वो क्या दिया गया है, दैट इज 3/2 टाइम्स 2x+1 ये गिवेन है। लेकिन डायमीटर होता क्या है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अगर हम रेडियस कहते हैं कि इसका रेडियस कुछ किसी भी टाइम पे अगर हम लोग कहते हैं कि इसका रेडियस से आर है तो रेडियस डायमीटर का डबल हो गया, तो 2r = 3/2 टाइम्स 2x+1, दैट मीन्स आर कम्स आउट टू बी 3/4 टाइम्स 2x+1, ये आपका रेडियस हो गया। नाउ क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमने डायरेक्ट डिकोड किया था क्वेश्चन से ये डायमीटर विथ रिस्पेक्ट टू x था। जो सेकेंड इक्वेशन डिकोड हुई है या उसी चीज को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया है रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू x, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम v इक्वल्स टू 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, दैट कम्स आउट टू बी v इक्वल्स टू 4/3 π और 3/4 टाइम्स 2x+1 का क्यूब। ये आप सॉल्व करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 9π/16 2x+1 का होल क्यूब, ये आ गया आपका वॉल्यूम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द से इक्वेशन नंबर 3। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज dv/dx, दैट इज 9π/16 एंड 3 टाइम्स 2x+1 का होल स्क्वायर, और फिर 2x+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो आपका जो टोटल 27 जब सॉल्व करोगे आप तो 27π/8 2x+1 होल स्क्वायर। तो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, बट दिस रेट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी द योर आंसर।